दोस्तों आज जैसे कि बैंक निफ्टी ने 34,000 का लेवल को टच किया और यहाँ पे जो गैप था वो गैप फिल किया। अभी गैप के बाद मार्केट ऐसे रिकवर होगा, बैंक निफ्टी ऐसे रिकवर होगा या फिर और नीचे जाके ए लेवल तक आ सकता है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बैंक निफ्टी यहाँ से सपोर्ट ले सकता है कि नहीं, और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि 10 मई को मार्केट कैसे रहेगा। हाय फ्रेंड्स, मैं दीपक बोल रहा हूँ और स्टॉक गुरु दीपक चैनल में आपका स्वागत है। जिन दोस्तों ने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल के ऊपर हम लोग ऐसे एजुकेटेड वीडियो लाते रहते हैं, डेली हो, वीकली हो, और टेक्नोलॉजी के बहुत सारे वीडियोज है, वो देखकर आप टेक्नोलॉजी सीख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, हम लोग चार्ट के ऊपर जाके देखते हैं कि कल के लिए मार्केट कैसा रहेगा। और दोस्तों पहले हम लोग एनालिसिस करेंगे निफ्टी से, और उसके पहले मैं कुछ अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि जिन्होंने हमारा वेबिनार अटेंड नहीं किया होगा 7 तारीख को, तो नेक्स्ट वेबिनार हमारा 14 तारीख को है, तो वहां पे आप मेरे साथ टेक्नोलॉजी सीख सकते हैं। उसके डिटेल मैंने यहाँ पे दिए और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हो। और 16 तारीख से हमारा एक टेक्नोलॉजी का कोर्स भी शुरू हो रहा है, जहाँ पे मैं आपको लाइव में टेक्नोलॉजी सिखाऊंगा। तो हम लोग पहले कॉन्सेंट्रेट करते हैं निफ्टी पे। निफ्टी 100 पॉइंट यहाँ पे डाउन है, बैंक निफ्टी 300 पॉइंट। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा एक निफ्टी को यहाँ पे जूम करते हैं और थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं चार्ट के ऊपर। निफ्टी जैसे कि इनसाइड कैंडल आया था, मैंने बताया था निगेटिव है अगर हम लोग डेली में देखेंगे, और उसके बाद एक डोजी कैंडल आया। लेकिन ये डोजी कैंडल के ऊपर, जैसे मैंने कहा कि ऊपर अगर जाता है तो बाइंग होगा, उसके नीचे आया और नेगेटिव मार्केट और नेगेटिव हो गया। तो यहाँ तक नीचे जो मार्केट का सपोर्ट है 16,000, एक राउंड फिगर है 16,000। लेकिन अगर हम लोग आज का कैंडल देखेंगे तो ये भी एक इंडिसिव कैंडल है, यानी कि हमको इसको पूरा पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं बोल सकते। तो यहाँ पे जस्ट इसको स्प्रिंग बॉटम हम लोग कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमको जो नए लेवल्स आते हैं, ये आज का लो और जो कि आज का हाई हमारे लिए एक इम्पोर्टेंस लेवल हो सकता है, जो है कि 16,400 और नीचे जो है कि 16,128। अगर 16,400 के ऊपर मार्केट यहाँ पे स्टेबल होता है तो यहाँ पे कवरिंग हो सकता है और मार्केट अच्छी तरह जा सकता है। जहाँ पे लेवल ब्रेक करके मार्केट आया था वो है 16,600, उसके ऊपर अगर निफ्टी क्लोज होता है तो यहाँ पे एक रिकवरी आ सकता है। तो यहाँ पे अभी तक क्लियर कट है कि मार्केट ने कुछ पॉजिटिव यहाँ पे रिवर्सल दिया नहीं, बट आज का जो कैंडल है थोड़ा सा एक उम्मीद है कि इसके ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो थोड़ा एक पॉजिटिविटी मार्केट में आ सकता है और यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले सकता है। बट हमको इसके लिए एक पॉजिटिव कैंडल के लिए वेट करना पड़ेगा। इंट्राडे के लेवल हम लोग देखेंगे 5 मिनट के चार्ट के ऊपर। तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि एक ही लेवल पे मार्केट ने यहाँ पे बहुत बार कोशिश किया है, तो कल के लिए भी हमको इंट्राडे में अगर बाय करना है तो 16,400 के ऊपर ही बहुत ही अच्छा बाइंग हो सकता है। सेलिंग के लिए हम लोग नजदीक वाला जो है कि एक सपोर्ट देखेंगे कि वो लेवल होगा 16,245 का एक लेवल होगा, उसके नीचे अगर जाता है निफ्टी तो आप सेल कर सकते हो। नेक्स्ट हम देखेंगे बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में मैंने जो आपको एनालिसिस कहा है यहाँ पे आपको क्लियर करूंगा, और बैंक निफ्टी में हम थोड़ा ज्यादा एनालिसिस करते हैं, थोड़ा सा चार्ट बड़ा करके मैं आपको दिखाऊंगा। तो ध्यान से देखिए कि यहाँ पे बैंक निफ्टी में एक गैप था और एक पेंडिंग था। तो मैंने आपको बहुत बार कहा था कि जब भी बैंक निफ्टी यहाँ पे आएगा, ये लेवल ब्रेक करता है, तो नीचे वाला लेवल यही होगा, और हमारा लेवल बिल्कुल बहुत अच्छी तरह चला। इसके लिए आप ज़्यादा लाइक भी दे दो और वीडियो ज़्यादा शेयर करते जाइए और हमें कमेंट भी देते जाइए, तो ज़्यादा लोग देखेंगे, कमेंट भी दे देंगे तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे फिर से पीछे लेके जाता हूँ आपको, थोड़ा सा हम लोग चार्ट और भी इसमें देखेंगे। तो देखिए चार्ट कभी भी पढ़ना है तो थोड़ा सा दूर में देखेंगे कि ए लेवल से बाइंग आया था, ए लेवल से बाइंग आया था, ए लेवल से बाइंग आया था। लेकिन बैंक निफ्टी ए लेवल के करीब, ए लेवल में सिर्फ नीचे गया था और अभी फिर से ए लेवल पे है, तो इसका क्या मीनिंग हो सकता है? तो ये जो सपोर्ट है मल्टीपल सपोर्ट है, इंपॉर्टेंट है, ए लेवल ब्रेक भी कर सकता है बैंक निफ्टी, नहीं ऐसे नहीं। लेकिन यहाँ से रिकवर क्यों हो सकता है और यहाँ पे क्यों नहीं हुआ था, तो इसका मीनिंग है, ये जो था एक जियो पॉलिटिकल न्यूज था वो टाइम पे जब रशिया का इवेंट हुआ था, तो मार्केट ज्यादा पैनिक था, इसलिए उसने एक लेवल ब्रेक किया था।
बट यहाँ पे 34,000 जो है ये लेवल जो है कि एक ट्रेडर का एक फेवरेट लेवल है, जहाँ से मार्केट बार बार रिकवर होता है। और यहाँ पे एक गैप भी है जो रिसेंटली गैप फिल किया। गैप फिल करने का मतलब क्या होता है कि गैप वर्क एज अ सपोर्ट और गैप वर्क एज अ रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे एक रिकवरी का चांसेस है। सपोज अगर इसके यहाँ पे रिकवरी होता है तो 33,946 इसके नीचे अगर मार्केट जाएगा तो नेक्स्ट सपोर्ट होगा जो कि बॉटम का है, यही सपोर्ट मार्केट को होगा। और मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आ सकता है, यानी कि और भी नेगेटिविटी हो सकती है। बट आपको एक अपॉर्चुनिटी है, 32,000 तक आ सकता है। तो एक यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है कि मार्केट यहाँ से रिकवर हो जाए। तो यहाँ पे हमको नजदीक वाला क्या देखना है कि आज का जो कैंडल बना है, जिसको हम लोग कहते हैं कि इन्वर्टेड हैमर, तो डाउन डाउन ट्रेंड में इन्वर्टर हैमर आता है और कुछ सपोर्ट लेवल के पास आता है, तो ये भी एक पॉजिटिव ही है। अभी अगर मार्केट कल 34,573 के ऊपर अगर एक क्लोजिंग देता है तो ये बहुत ही अच्छा क्लोजिंग होगा, और 35,120 के ऊपर देता है तो ये अच्छी तरह रिकवर भी हो सकता है। तो हमको बैंक निफ्टी और निफ्टी देख के लग रहा है कि यहाँ पे मार्केट का एक बॉटम बन सकता है, शॉर्ट टर्म बॉटम। लेकिन जब ये फॉर्म होगा आज के कैंडल के ऊपर जाता है तभी थोड़ा कंफर्मेशन लेना है। इमीडिएटली कल हमको आके डायरेक्टली बाय नहीं करना है, शायद कल गैप डाउन भी खुले, तो गैप डाउन खुले तो नेक्स्ट लेवल जो है कि आपको याद रखना है कि क्या क्या नेक्स्ट लेवल हो सकता है। पहला नजदीक वाला 33,266 है, डायरेक्टली 32,000 नहीं आएगा तो ये लेवल भी आपको देखना है। और आपने देखा होगा कि मेरे इसमें हर एक लेवल वर्क होता है और वो लेवल में बहुत ही टेक्निकली आपको देता हूँ। तो ये लेवल हमने लॉन्ग टर्म में देखे, इंट्राडे में देखते हैं कि आपको कल क्या लेवल मिलते हैं। इंट्राडे में 5 मिनट्स में देखेंगे तो अपना जो रेजिस्टेंस यहाँ पे दिख रहा है 34,573, तो लगभग आज का हाई, इसके ऊपर अगर जाता है तो हम लोग यहाँ पे बैंक निफ्टी में बाइंग करेंगे। बैंक निफ्टी में हमको सेलिंग के लिए 33,946 का ये जो लेवल है डेली का वही लेते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी थोड़ा सा यहाँ पे मुझे पॉजिटिव दिख रहा है और यहाँ पे जो है कि लो, इसने हायर लो दिए है, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा पॉजिटिव साइड में सोच सकते हैं। बट अगर ये लेवल ब्रेक होता तो आप शॉर्ट भी कर सकते हो। दोस्तों हम लोग कुछ स्टॉक के बारे में बात करेंगे। जैसे कि मैंने आपको रिलायंस के बारे में बताया था कि ये जो लेवल बताया था आपको 22,521, तो लगभग देखिए कि ये लेवल के पास ही रिलायंस बंद हुआ। ओपन होने के बाद ये लेवल यहाँ पे टच किया, तो अपने लेवल कितने वर्स्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने जैसे आपको लेवल दिया था क्योंकि रिजल्ट है, और मैंने बताया था कि रिलायंस जैसा बिहेव करेगा वैसा मार्केट भी बिहेव करेगा, तो मार्केट ने नेगेटिव बिहेव किया और रिलायंस ने भी। तो कल और भी कंपनी के रिजल्ट है, उनके बारे में भी देखेंगे। तो पहला है एशियन पेंट, तो एशियन पेंट का कल रिजल्ट है और उसके लेवल में आपको बताऊंगा। ऊपर 3040 के ऊपर अगर जाता है तो यहाँ पे बाइंग आ सकता है, 2968 के नीचे आपको यहाँ पे सेल करना है। और ये नीचे वाला जो लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ब्रेक होता है तो इसमें नेगेटिविटी आ सकता है। दूसरा स्टॉक जो है कि सिप्ला, उसका रिजल्ट है कल, और वहां पे भी एक छोटे छोटे कैंडल बोर्ड रेंज बनी है। 9:46 के ऊपर अगर सिप्ला जाता तो बाइंग होगा, 9:22 के नीचे यहाँ पे सेल होगा। और मैं एक स्टॉक देखता हूँ जहाँ पे रिजल्ट तो नहीं है लेकिन एक अच्छे लेवल पे है, और ये थोड़ा नेगेटिव होने के बाद भी मैं कुछ कॉन्ट्रा इसमें एंट्री देता हूँ, और जो कि एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक देखो आप, एक मल्टीपल सपोर्ट के यहाँ पे है और इसका जो कैंडल बना है थोड़ा सा बाइंग प्रेशर कैंडल बना है। तो यहाँ पे कल 68 के ऊपर अगर जाता है तो आप एक्सिस बैंक में बाई कर सकते हो। इसका टारगेट हम लोग रखेंगे 690 का। तो दोस्तों जिन स्टॉक के बारे में मैंने आपको बताया ये मेरे टेक्निकल व्यूज है, ऐसा कुछ भी नहीं कि कल एक स्टॉक ऐसे चले चाहिए। इसमें आपको ट्रेड करना है तो आपको फाइनेंशियल एडवाइजर का सलाह लेकर आप इसमें ट्रेड कीजिए। और दोस्तों जैसे कि हमारा एक लास्ट सैटरडे को वेबिनार हुआ था, आपने बहुत अच्छा सपोर्ट किया। अगर जिन्होंने मिस किया होगा तो अभी आने वाले 14 तारीख को हमारा सेकंड वेबिनार है, जहाँ पे मैं आपको टेक्निकल से सिखाऊंगा। जिनको भी इंटरेस्ट रहेगा मैंने यहाँ पे जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ पे जाकर आप रजिस्टर कीजिए और वेबिनार अटेंड कीजिए। और जिनको मेरे साथ टेक्निकल एनालिसिस लाइव मार्केट में सीखना है तो 16 तारीख से हमारा एक टेक्निकल एनालिसिस का एडवांस कोर्स आ रहा है, 1 महीना चलेगा और पूरा लाइव भी चलेगा। तो जिनको भी इंटरेस्ट रहेगा यहाँ पे जल्दी रजिस्टर कीजिए मंडे के कोर्स के लिए। दोस्तों यहाँ तक ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और अपने कमेंट भी दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।